गाइस आज की वीडियो में अनबॉक्स करने वाली हूँ इस ट्रॉली सेट को, जो कि है बहुत ही खास क्योंकि इसके अंदर है टूल सेट। और ये बहुत ही खास ट्रॉली है, इसके पीछे है ये चक्के लगे हुए जिस तरह रियल ट्रॉली में होता है। आप इसको मस्त एज ए ट्रॉली भी यूज़ कर सकते हो और इसको सजा सकते हो ये टूल बॉक्स की तरह। तो दोस्तों चलिए करते हैं इस बॉक्स को ओपन। और यहाँ पर इसके ऊपर भी एक प्लास्टिक लगा हुआ है, तो इसको ओपन करने के बाद हम लोग को इसका मेन प्रोडक्ट दिखेगा। ओह इसको भी खोलना होगा हमें, तो चलिए करते हैं पेचकस का यूज और इसको ओपन करते हैं। ये रहा पेचकस। आपको खोलना होगा इसको। खुल गया दो टुकड़ी। तो दोस्तों हम लोगों ने इसके ऊपर का ये देखिए प्लास्टिक निकाल दिया है। और ये प्लास्टिक में भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बताई हुई है कि कुछ इस तरह का बनेगा हमारा सेट पूरा सजने के बाद। और यदि पीछे देखें तो यहाँ पर दी हुई है प्रोडक्ट फिटिंग और किस तरह से आपको ये फिट करना है वो भी बताया गया है। अब हम लोग को इसको भी निकाल देना है क्योंकि इसका यूज़ हम लोग को बाद में पड़ने वाला है। अब चलिए अपने मेन टूल सेट यानी कि इस बॉक्स को करते हैं ओपन और देखते हैं इसके अंदर हम लोग को क्या क्या कंटेंट्स मिले हैं। तो बॉक्स को यहाँ पर ओपन करते के साथ सबसे पहले मिले हमें दो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स, जिसमें कि शायद हम लोग को कुछ कुछ सामान रखना होगा। इसको रखते हैं यहाँ। और ये है हमारा मेन सेट जिसमें कि सारे जितने भी कंटेंट्स मिलेंगे सबको यहाँ रखना होगा। और ये देखिए इसमें ये खास चीज़ है जो कि वर्किंग है। और नेक्स्ट है यहाँ पर स्टिकर्स जो कि इसको बनाएंगे और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा सुंदर। और ये क्या है? ओहो टंगी, इसमें हम लोग खुद को सामान को टांगेंगे। और यहाँ पर सिमिलरली तीन पैकेट हमें और भी मिले जिसके अंदर बहुत सारे सामान है, तो इन सबको भी बाद में देखेंगे, पहले और देख लेते हैं क्या क्या सामान मिले हैं। तो ये देखिए तीन इस तरह के लंबू सामान मिले हैं जिसका भी हम लोग यूज़ करेंगे। और अब हमारा बॉक्स हो गया पूरी तरीके से खाली। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे असेंबलिंग। असेंबलिंग करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। सिंपली आप ये देखिए इसके ढक्कन को आपको खोलना है कुछ ऐसे। ढक्कन अलग, ये अलग, दोनों अलग अलग हो चुका है। और यदि पीछे की बात करें तो यहाँ पर पीछे में भी देखिए जगह दिया हुआ है। यदि आप इस बटन को प्रेस करोगे इधर तो ये पूरा खुल जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये खुल गया ऐसे। और दूसरे वाले को भी खोलना है ऐसे। इसका तो पूरा टंगड़ी खुल गया लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है यार, एक पैर से कैसे खड़ा रहेगा। तो अब आपको लेना है इसमें ये पाइप और इसको घुसाना है ये वाले छेद में। इस वाले छेद में आप सिंपली कर दो इसको इंसर्ट। थोड़ा सा मेहनत लगेगा बट जब इंसर्ट हो जाएगा तो मस्त लगेगा। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये देखिए अच्छे से खड़ा हो जाएगा। बट अभी भी इसमें एक कमी है, ये देखिए थोड़ा सा ये नीचे की तरफ है, तो उसको आपको असेंबल करना होगा यहाँ पर ये, ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए और पैरेलली अच्छे से खड़े रहें। तो इसको भी फटाफट से लगाया जाए। अब हमें लेना है इस बॉक्स को। और ये देखो यहाँ पे दो बटन दिए हुए हैं, बहुत मजा आता है इसको पुटिक 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 करने में। ऐसा कोई काम नहीं है इसका, बस ऐसे ही है। चलो लगाते हैं। इसको रखना है यहाँ पर, ये देखो क्या जबरदस्त लग रहा है। अब लेंगे इन दोनों को और इन दोनों को लगाएंगे कुछ यहाँ। तो एक को लगाओ हाँ, एक को लगाओ यहाँ और दूसरे को लगाओ यहाँ। और ये देख रहे हो दोस्तों, ये मिला था इसका ढक्कन लेकिन ये भी बहुत यूजफुल है। ये देखो ये उसके ऊपर का बनेगा ढकनी, ओए ताकि हम लोग का टूल सेट भींगे ना पानी में भी, ओए गड़दा ही लग रहा है। और ये देखो हमें दो दो प्लेट्स मिले थे, इन दोनों को भी सजाना है। एक को लगाना है यहाँ पर, अरे अच्छा सा टाइट हो जा रहा भैया, और दूसरे को यहाँ पर। तो यदि बात करें इसकी पाइप की तो ये पाइप बहुत ही मजबूत है, एकदम मस्त जो रियल वाला पाइप होता है ना वही यूज किया गया। और यदि इन सब की बात करें तो ये देखिए ठोक ठाक करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ, मस्त आवाज आ रहा होगा और पता भी चल रहा होगा कि आसानी से नहीं टूटेगा। दोस्तों ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है बट बहुत ही मजबूत प्लास्टिक है, इतना तो है कि गिरने से आसानी से तो नहीं टूटेगा। चलो अब आगे का भी देखते हैं आगे क्या क्या है। अब हम लोग को लेना है ये वाला टंगनी टाइप का जिसमें कैसे ऐसे निकला हुआ है और इसको लगाना है इस जगह पर। दोस्तों हमें साथ ही मिले थे यहाँ पर तीन तीन पैकेट जिसके अंदर बहुत सारे सामान है, तो चलिए जल्दी जल्दी इनको असेंबल करते हैं।
है पूरा इसको कम्प्लीटली सेट कर लिया है एंड ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो चलिए आप देखते हैं अपने एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स को और उनका क्या क्या यूज़ है। दोस्तों सबसे पहला जो प्रोडक्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है ये देख सकते हो आप, ये मज़ेदार सा चीज़। जैसे ही आप इस कटर को करोगे इस तरफ प्रेस, ये देखिए इसमें खुद ही ये घूमना शुरू हो जाता है और ये जब घूमता है तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है और एकदम रियलिस्टिक वाला फील आता है। मैं आपको फिर करके दिखाती हूँ, ये देखो इधर से देखो आई हाथ कट गया, इधर से घुमाओ हाथ कट गया। और साथ ही साथ यहाँ हमें मिले बहुत सारे औजार। यहाँ पर हमें मिले हैं दो पेचकसेस, देखिए यहाँ पर इन दोनों के मुंह अलग अलग है, ये है चारकोनिया मुंह और ये एकदम प्लेन वाला। अब इसका भी यूज़ करेंगे, तब तक के लिए इन दोनों को अपने जगह पर रख देते हैं। और यहाँ पर हमें मिला है ये, इसको तो जानते ही होंगे, इसको कहते हैं स्लाई रेंज। यहाँ पे घूमी घूमी वाला होता है ना, ऐसे ही घूमेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा ये देखो, लेकिन है बहुत ही मस्त, एकदम हार्ड क्वालिटी का, लगता है कि हाँ सच में कुछ काम कर देगा। अब अगला जो प्रोडक्ट है वो है बहुत ही खतरनाक आरी कतरी, जिससे कि मुझे बहुत ही डर लगता है। ये किसी को भी ऐसे 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 करके काट सकता है और इसकी जान ले सकता है, जान ले सकता है। और ये देखो हथौड़ा, हथौड़ा ठोक 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 ठोकने के लिए, इसको अपने दिमाग पर ऐसे 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 ठोकोगे तो दिमाग एकदम सुधर जाएगा, दिमाग एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन इस हथौड़े से ठोकना असली वाले से नहीं, वरना। और हम लोग को मिले हैं यहाँ पर 6-6 पीस स्क्रूज एंड नट्स, इन सब को भी आप लोग को वर्क करके दिखाऊंगी। ये देखो एकदम मस्त टाइट भी होगा, और टाइट किस में करना है ये देखो इसमें। चलो एक को करके दिखाती हूँ, बाकी सबको रखते हैं अभी। स्क्रूज को घुसाया यहाँ पर और ये वाले को घुसाया यहाँ पर और इसको किया टाइट 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 टाइट। मस्त घूम कर ये टाइट हो गया। बट यदि आप लोग से टाइट नहीं हो पा रहा तो देखो इस पेचकस के मदद से स्क्रूज को ऐसे 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 घुमा के कर सकते हो टाइट, और ये मस्त वाला टाइट भी हो गया है। ये देखो दोस्तों ये घूमता है कुछ इस तरह से, हम लोग लेंगे इसे, इसको घुमाएंगे ऐसे ऐसे। अरे 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 कहाँ गिर गया, अरे यहाँ से ऐसे घूमना है और घुमाना है, इसको पकड़ के भी घुमा सकते, देखो कुछ इस तरह से। अरे बाप रे बहुत ही मेहनत लग रहा है, चकड़ी घुमाओ। और ये रहा ऊपर में सामान सब, और यहाँ पर भी आप लोग स्क्रू को घुसा सकते हो, ये रहा स्क्रू, स्क्रू को घुसाओ यहाँ पर, और जितने भी स्क्रूज है सारे को यहाँ घुसा सकते हो, और कुछ स्क्रूज को रख दो यहाँ। सारे ऑब्जेक्ट्स तो मैंने दिखा दिए, बट एक चीज तो दिखाया नहीं, वो था ये बटन, ये देखो ऐसे ऐसे, जब ब्लैक बटन को दबाओगे तो लाल उठेगा, रेड को दबाओगे तो ब्लैक उठेगा, ऐसे 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 ऐसे। और यहाँ पर हम लोग कुछ को रख के काट सकते हैं, ये देखो अपनी उंगली को, अरे यार सच में कट जाएगी, डिजास्टर। कोई नहीं दोस्तों, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी क्या बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, तो बहुत छोटी थी। चलो अब करते हैं, देखा क्या मस्त घूमी, हे माँ माता जी ये क्या हो रहा है, ये देखो फिर से देखो, देखते ही रहो दोस्तों। तो आपको तो हम दिखा ही दिए अपने इस प्यारे से ब्रांडेड टूल सेट की अनबॉक्सिंग, बट इस ब्रांडेड टूल सेट को और भी ज़्यादा ब्रांडेड बनाने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं ये है ये क्यूट क्यूट से स्टिकर्स, जिसको कि आपको पेस्ट करना है इन सब में, और वो सब तो आप लोग कर लोगे, टूल सेट तो ये बनेगा ही। और साथ ही साथ ये है एक ट्रॉली भी, वो भी चक्का वाला, ये देखो मस्त घूम रहा है और चल भी रहा है एट गर्दा, यू वो हो मस्त। तो आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो चला कर, एंड आई नो अब तो आप लोग के पेटों में मच रही होगी खलबली इसको लेने के लिए। तो इसका लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है, सिंपली जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मिलेगा एक ब्लू ब्लू कलर का बाय लिंक, उस पर क्लिक करो और जाकर इसे खरीद लो। और अगर जानना है कि इसका प्राइस कितना है तो इसका प्राइस भी उसी लिंक पर क्लिक करके पता चलेगा, तो जाओ प्राइस चेक करो और खरीदो। और यदि क्वालिटी की बात करें तो यार क्वालिटी तो मैंने आपको दिखाई, बहुत ही ज़बरदस्त है, और बच्चे तो भाई इसके साथ खेलना तो इतने ज़्यादा पसंद करेंगे, और बॉयज़ को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि उनको वर्किंग सेट्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, एंड छोटे बच्चों की आदत होती है कि वो लोग चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा पेचकस घुमाएं, तो उन लोग को इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप लोग उनको ये सेट गिफ्ट कर सकते हो, और इससे पहले भी मैंने इस तरह के ट्रॉली सेट्स की अनबॉक्सिंग की है, अगर आपने उनकी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जाकर देखिएगा। तो बस मिलते हैं एक और धमाकेदार अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।